The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार. मैं हूं डॉक्टर परमजीत. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. आज हम बात करेंगे कीटोन्स, यूरिन कीटोन, कीटोन बॉडीज, कीटो एसिडोसिस, या ये डायबिटीज में कीटो एसिडोसिस होता है, कीटो डाइट में कीटोन्स बनते हैं. तो कीटोन्स का टेस्ट कैसे करते हैं? यूरिन में कीटोन्स आपके आ सकते हैं, ब्लड में कीटोन्स आपके आते हैं. तो भाई, यूरिन में अगर आ रहे हैं मतलब ब्लड में ज़्यादा है. सो कीटोन टेस्ट क्या है? कीटोन यूरिन टेस्ट मेजर करता है कि पेशाब में आपके कीटोन बॉडीज कितने हैं. और ये एक स्पॉट टेस्ट है जो आपको किट में मिल जाएगा ड्रग स्टोर पे. और ये इस टेस्ट के अंदर एक डिपस्टिक होता है, आप उसे उसके अंदर एक केमिकल रिएजेंट होता है, केमिकल रिएक्ट करता है कीटोन बॉडी के साथ. और अगर आप उसको कीटोन बॉडी के साथ मिलाएंगे तो कलर चेंज होता है, जितना कलर चेंज उतना कीटोन प्रेजेंट. सिंपल सी बात है. सो कीटोन टेस्ट कैसे करना है? आपको यूरिन का एक क्लीन कैच सैंपल लेना है, मतलब कि आप उसे जो जर्म्स हैं बाकी सारी चीज़ों से बचा के इकट्ठा करेंगे. मतलब कि यूरिन का कंटेनर होता है, यूरिन जाते हुए बीच धार में से उसको लेना होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन क्लीन कैच सैंपल. और उस यूरिन को कलेक्ट करके आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, या डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या सेंट्रल लैब को दे सकते हैं. वो वहाँ पर उस लैब पर टेस्ट करेंगे उसको, उस पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन जिस भी कीटोन टेस्टिंग एजेंट को यूज़ कर रहे हैं उसके साथ करेंगे. अब उसके लिए क्या करेंगे, वो कुछ और ध्यान आपको देना होगा कि ये जो टेस्ट है ये कह लीजिए डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कीटो एसिडोसिस वाले लोगों के लिए ज़रूरी है. यूरिन कीटोन टेस्ट ज़रूरी टेस्ट है. और इसको क्यों किया जाता है कि अगर मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा 240 से ज़्यादा आ रही है आपके खून में, या आप तो उसका मतलब यह है कि आपकी बॉडीज जो है कीटोन बॉडीज बना रही है. कीटोन बॉडीज के वजह से कीटोन आपके शरीर में ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा कीटोन होने के वजह से वो यूरिन में निकलेगा, और यूरिन के साथ साथ वो आपके शरीर में नौशिया वॉमिटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है, पेट में दर्द जैसे साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, निमोनिया हार्ट अटैक जैसे रिस्क बढ़ा सकता है कीटोन ऐसे अगर ज़्यादा हो जाते हैं. नौजिया वॉमिटिंग अगर नहीं जा रही है, प्रेगनेंसी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 1 है, प्लस ये सब चीज़ें हो रही है, तो वो एक इंडिकेशन है, हो सकता है आपको कीटो एसिडोसिस हो रहा हो. ठीक है. सो नॉर्मली यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर किसी प्रकार का कीटोन नहीं होना चाहिए. अगर आपके पेशाब में कीटोन आ रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर कीटो एसिडोसिस हो रहा है. और इसके कई अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, जैसे कि ये एक फोटो में आप देख रहे हैं यूरिन का डिप टेस्ट, एक टेस्ट है, उसको मिला लिया जाता है, कितना कीटोन है कलर चेंज से पता चल जाता है. तो एक ये तरीका है, बाकी लैब में टेस्टिंग के भी अपने तरीके, जिसमें कि एग्जैक्ट वैल्यू भी पता चल जाती है, भाई कीटोन कितना पॉजिटिव है कितना नहीं पॉजिटिव है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी से भी पता चल जाता है. और एबनॉर्मल रिजल्ट का मतलब है कि आपके अंदर या तो आपके यूरिन में थोड़ी मात्रा में स्मॉल मॉडरेट या लार्ज मात्रा में कीटोन्स पाए गए हैं. 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर स्मॉल, 30 से 40 डेस पर मिलीग्राम मॉडरेट, और 80 मिलीग्राम से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी माना जाता है. अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि शुगर के अभाव या ज़्यादा होने की वजह से आपके सेल्स के अंदर शुगर नहीं जाता, खून में शुगर घूमता रहता है. तो सेल्स जो हैं वो शुगर के अभाव में आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स या फैट्स को यूज़ करते हैं, और प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं तो कीटोन बॉडीज़ बनते हैं. कीट और इतने ज़्यादा यूज़ करने पर कीटो एसिडोसिस, कीटोन की वजह से ब्लड का या शरीर का इन्वायरमेंट एसिडिक होते जाता है. ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी जान लेवा भी हो सकता है. मैंने जैसे बताया उल्टी, पेट में दर्द, उल्टी सीधी ये चीज़ें आपको हो सकती हैं. सो साइड इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट लिथार्जिक भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है. सो व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ फैट इज बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल. सो कई लोग इसका मिसयूज करते हैं पतले होने के लिए, वो अपने आप में एक रिस्की चीज़ है जिसपे कुछ लोग ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं. सो ध्यान में रखें, एबनॉर्मल रिजल्ट अगर आपके आते हैं, यानी कि अगर किस किस के आ सकते हैं, किसको कीटो एसिडोसिस, कीटोन बॉडीज किसके यूरिन में आएंगे, अगर कोई इंसान फास्टिंग कर रहा है, स्टारवेशन है, या खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट है नहीं, शुगर कम होगी, उनके शरीर फैट को यूज़ करेगा. बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट या बहुत लो कार्ब डाइट ले रहे तब भी होगा.
अगर आपको बार बार उल्टी आ रही है तब भी हो सकता है आपका कीटोन बॉडी ज़्यादा हो, किसी भी प्रकार का सीरियस इलनेस हो रहा है, सेप्सिस है, बर्न्स है, तो ऐसे केस में आपकी बॉडी अगेन फैट को यूज़ करती है, लोग पतले हो जाते हैं बीमारी में बिकॉज और उसमें भी कीटोन यूज़ होते हैं। बहुत हाई फीवर है, हाइपर थायराइड है, या आप बच्चे को नर्सिंग कर रहे हैं यानी कि लैक्टेशन फीडिंग कर रहे हैं लेकिन खुद खाना नहीं खाते तो ज़्यादा, तब ये होगा। तो ध्यान में रखें कीटोन बॉडीज आर नॉट रियली वेरी हेल्दी, और वो एक बैलेंस मात्रा में हो, कभी हो थोड़ा बहुत हो, तो पतले होते समय भी बहुत ज़्यादा अति डाइटिंग करना या बहुत ही ज़्यादा जीरो कार्ब डाइट लेना बहुत लंबे समय के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उस आगे इस चीज़ की जानकारी के लिए फास्टिंग पे मेरे वीडियोस हैं, कीटो डाइट पे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, डायबिटीज़ पे वीडियो है और एसिडोसिस, एसिड बेस, अल्कली, उन सब पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।